फिरोजाबाद में पकड़े गए सॉल्वर गैंग के 4 आरोपी 5 लाख में दूसरे की जगह कराते थे परीक्षा। फिरोजाबाद जिले में पुलिस और एसओजी टीम ने थाना उत्तर क्षेत्र में पुलिस भर्ती परीक्षा में सेंध लगाने जा रहे सॉल्वर गैंग के 4 सदस्यों को धर दबोचा है। एसपी सिटी सर्वेश मिश्र ने बताया कि ये लोग सुबह केंद्र पर दूसरे छात्र के स्थान पर परीक्षा में बैठने जा रहे थे, तभी पुलिस टीम को सूचना मिली। परीक्षा देने से पहले ही 4 सॉल्वर गैंग के सदस्यों को पकड़ लिया गया है। इसके साथ ही 2 परीक्षा देने वाले छात्रों को भी पकड़ा गया है, जिनके स्थान पर ये सॉल्वर बैठने वाले थे। एसपी सिटी सर्वेश कुमार मिश्र ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों में से एक बसई मोहम्मदपुर और एक दक्षिण थाना क्षेत्र का रहने वाला है। ये लोग दूसरे छात्र के स्थान पर परीक्षा देने जा रहे थे। इस गैंग ने बायोमेट्रिक को चकमा देने के लिए यू स्टिक से अंगूठे का फिंगरप्रिंट बनाया था। आरोपी हरिशंकर और रामनरेश ने बताया कि हम दोनों परीक्षाओं में असली परीक्षार्थी की जगह उससे रुपए लेकर उसकी जगह पर दूसरा व्यक्ति असली परीक्षार्थी के नाम पते से प्रपत्र तैयार करके फोटो लगाकर और अंगूठे की छाप के प्रिंट की सिलिकॉन उंगली पहनाकर परीक्षा कराते हैं। हम दोनों इस काम के लिए परीक्षार्थियों से 5-5 लाख रुपए लेते हैं और फिर असली परीक्षार्थी के अंगुल चिन्ह बनाकर इनका क्लोन बनाकर नकली परीक्षार्थियों को उंगली पर चढ़ाकर तथा आधार कार्ड पर उसी फोटो लगाकर और प्रवेश पत्र पर ही वही फोटो लगाकर एग्जाम में भेज देते हैं। हमारे पास जो कागज मिले हैं उसमें 4 नकली आधार कार्ड भी हैं जो हमने परीक्षा दिलाने के लिए कूट रचित बनाए हैं। हमारे साथ जो नितिन और अभिषेक मिले हैं ये सिपाही की परीक्षा दे रहे हैं, इनसे भी हमने 5-5 लाख रुपए पर मामला तय किया था। 4 लाख रुपए सुबह देने का वादा किया था, तब तक आपने हमें पकड़ लिया। हमारे पास जो 20,200 रुपए बरामद हुए हैं ये रुपए भी हमने नितिन और अभिषेक से ही लिए हैं और जो रुपए पहले लिए थे उनको खर्च कर लिया है। इन दोनों के एडमिट कार्ड के अलावा और अंगुल छाप और आधार कार्ड हमसे बरामद हुए हैं। उनकी जगह पर फर्जी सॉल्वर बैठाकर परीक्षा करानी थी। हमारे पास से 8 आधार कार्ड बरामद हुए हैं जिनमें से 4 असली हैं और 4 फर्जी फोटो लगाकर असली के रूप में तैयार परीक्षा में प्रयोग करने के लिए तैयार किए गए हैं। जो अलग अलग फाइल में लगे हुए हैं वो असली हैं और 4 इकट्ठे मिले हैं वो नकली हैं। इन दोनों के अलावा और लोगों से जो हमने रुपए लिए हैं वो रुपए हमने खर्च कर लिए हैं। जैसा कि आप सब विदित हैं कि उत्तर प्रदेश नागरिक आरक्षित परीक्षा 17 फरवरी एवं 18 फरवरी को प्रस्तावित है, उसको लेकर के उच्चाधिकारियों के हम निर्देश थे कि इस तरह के जो भी इसमें गैंग्स जो काम करते हैं, जो कि प्रलोभन दे करके या किसी फूट रचित दस्तावेज बना करके लोगों को ठगने का प्रयास करते हैं या इन प्रशंसन के माध्यम से किसी असली कैंडिडेट के दूसरे को बैठाने का प्रयास करते हैं, ऐसे लोगों पर सतर्क दृष्टि रखी जाए और इनका टेक्निकल और मैनुअल सर्विलांस किया जाए और ऐसे जो भी इसमें संलिप्त पाए जाते हैं उनके विरुद्ध प्रभावी वैधानिक कार्रवाई कराई जाए। उसी क्रम में हमारी एसओजी टीम, सर्विलांस टीम और थाना उत्तर पुलिस सक्रिय थी। 16/17 की रात्र में इन्होंने एक सॉल्वर गैंग को पकड़ा है जिसमें हरिशंकर, रमेश कुमार, अभिषेक और नितिन हैं। हरिशंकर और रमेश इसके इस गैंग के सरगना हैं तथा अभिषेक और नितिन इसमें अभ्यर्थी हैं। अभिषेक का सेंटर ठाकुर बीरी सिंह डिग्री कॉलेज कुंडला में था और नितिन का सेंटर दाऊ दयाल इंटर कॉलेज फिरोजाबाद में था। इस गैंग ने इन लोगों से कहा था कि हम 5 लाख रुपया लेंगे और आप लोगों को इस परीक्षा में सफलता दिला देंगे। इन गैंग ने फर्जी इन लोगों के दस्तावेज तैयार किए, आधार कार्ड तैयार किए। इस गैंग का एक काम ये भी था कि ये फर्जी फिंगरप्रिंट का क्लोन तैयार कर लेते थे सिलिकॉन के माध्यम से और जो इनका जो फर्जी आदमी होता था उसको वो उंगलियों में पहना देते थे, जिससे कि अगर उनका बायोमेट्रिक टेस्ट हो तो वो असली व्यक्ति आए तथा आधार कार्ड भी फर्जी बना लेते थे, उसमें असली जो कैंडिडेट होता था उसकी फोटो इसमें लगा देते थे। तो ऐसे 4 लोगों को हम लोगों ने पकड़ा है। इनके पास से 8 अदद आधार कार्ड, 7 एडमिट कार्ड, 16 अदद फिंगरप्रिंट पेपर और 1 पासबुक, 1 चेकबुक, स्टाम्प शाही पैड, 1 पेन, सिलिकॉन पट्टी और LED लाइट तथा 20,200 रुपये भी बरामद हुए हैं। इन्होंने तय किया था कि एडवांस में इन्होंने 57,000 रुपया, साथ ही साथ था कि शेष जो है आज सुबह हम लोगों को आप लोग दे दें। इन लोग गैंग को पकड़ा गया है। इस गैंग में और कौन लोग संलिप्त हैं इनसे हम लगातार पूछताछ कर रहे हैं। पूरा नेटवर्क हम लोग इसमें पता लगाएंगे और जो भी इसमें संलिप्त पाया जाएगा उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई कराएंगे। साथ ही साथ
इन जो इस गैंग के जो भी अभियुक्त पकड़े गए हैं इनका PCR लेकर के इनसे पुनः पूछताछ करेंगे और जो भी इसमें संदिग्ध पाया जाएगा उनके विरुद्ध कार्रवाई कराएंगे। सर क्या इस धंधे में ये पहले से लगे थे, क्या इनका पहले से ही कोई मुकदमे है? देखिए जो अब तक हम लोगों ने पूछताछ किया है उसमें जो हरिशंकर है उसका आपराधिक इतिहास है, वो दक्षिण थाने में उसके विरुद्ध पूर्व में हत्या का मुकदमा तथा शस्त्र फैक्ट्री का मुकदमा पंजीकृत रहा है। फिर हम लोग इनसे लगातार पूछताछ कर रहे हैं तथा इनके आपराधिक इतिहास के बारे में पता लगा रहे हैं। जैसे भी हमको इनके बारे में जो भी जानकारियां मिलेगी उसको हम अपनी विवेचना का पार्ट बनाएंगे और उसके आधार पर इनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई भी करेंगे। सर एक सवाल बनता है, इन पार्टियों में और एग्जाम होने हैं, अभ्यर्थियों से कुछ कहना चाहेंगे? देखिए आपके माध्यम से हम सभी अभ्यर्थियों से कहना ये चाहते हैं कि किसी के प्रलोभन न आए, किसी की बहकाव न आए, ये परीक्षा पूर्ण रूप से पारदर्शी एवं सुचतापूर्ण ढंग से कराई जा रही है। पूरा शासन प्रशासन इसके लिए दृढ़ संकल्पित है और किसी भी तरह का अगर इसमें कोई गैंग सक्रिय होगा तो हम लोग उसे पकड़कर उसके विरुद्ध प्रभावी वैधानिक कार्रवाई भी कराएंगे। फिरोजाबाद से मुकेश बघेल की रिपोर्ट।